पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में करीब 10 पीतल मजदूर कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री के मालिक ने उनसे 4 महीने ब्रास प्रोडक्ट्स पर प्लेटिंग का काम करने के बाद उनका मेहनताना नहीं दिया। पीतल मजदूरों ने गुलाटी ओवरसीज एक्सपोर्ट फर्म के मालिक आशीष गुलाटी पर 3.5 लाख रुपए की बेईमानी करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में मोहल्ला लालबाग निवासी आसिफ और उनके साथियों ने बताया कि करीब 4 महीने पहले उन्होंने गुलाटी ओवरसीज एक्सपोर्ट फैक्ट्री में प्लेटिंग का काम किया था। इस कार्य में 15 लोग जुटे थे। आसिफ का कहना है कि उनका कुल मेहनताना करीब 8 लाख रुपए बनता था, जिसमें से 4.5 लाख रुपए फैक्ट्री मालिक ने दिए, लेकिन बाकी 3,30,000 रुपए देने में आनाकानी कर रहे हैं। पीतल कारीगरों का कहना है कि बार बार फैक्ट्री जाकर तकादा करने के बावजूद पहले तो फैक्ट्री मालिक टाल मटोल करते रहे, इसके बाद 15 फरवरी को उन्होंने मजदूरों को धक्के देकर फैक्ट्री से बाहर निकलवा दिया। पीतल कारीगरों का कहना है कि वो अपनी शिकायत लेकर मझोला थाने गए थे, लेकिन एक्सपोर्टर के रसूख के चलते मझोला पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये पीतल कारीगर इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन पीतल कारीगरों का कहना है कि अपना मेहनताना मिलने तक वो अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम। आसिफ कितने लोग धरने पर बैठे हैं और क्यों बैठे हैं? सर इस वक्त 10-12 लोग हैं, बाकी लोग आए हैं 15-20 लोग हैं। हम सब 15 से 20 लोग जी क्यों बैठे हैं धरने पर? सर पैसे निकलना है फैक्ट्री पे, काम किया था हम लोगों ने 3-4 महीने काम किया था। कौन सी फैक्ट्री पर? गुलाटी ओवरसीज। कहाँ पर है ये? दिल्ली रोड 24 के सामने। कितने दिन काम किया था? 4 महीने काम किया था। 4 महीने में कुछ पैसे दे दिए उन्होंने, बाकी हमारे 4 लाख रुपए बाकी है। सबके मिला के 4 लाख रुपए बाकी है। 15 से 20 लोग जी सबके मिला के 4 लाख रुपए बाकी है। रोज आजकल कर ही रहे थे वो। ऑनर कौन है? ऑनर आशीष गुलाटी। पैसे कितने दे रहा है? पैसे सर बदमाशी दिखा रहा है, आजकल कर रहा है, गाली बक के भगा देते हैं फैक्ट्री से। उसके बाद में थाना मंझोला में एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। SSP साहब के वहाँ दी थी, DM साहब के वहाँ दी, सभी जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन सर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज दिन तक हम यहाँ बैठ गए। कब तक बैठेंगे? सर जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। जी महिलाएं भी शामिल है, 3 महिलाएं, 3 महिला शामिल है इस वक्त। एक साथ में 2 की तबीयत खराब है, वो आई नहीं। 3 महिलाओं के पैसे जी? 3 महिलाओं के पैसे हैं, बाकी 15-20 क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं हमारे पैसे दिलवाए जाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।